नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया वे दुबई प्लम्बर। साथियों, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को बजा कर रखो। साथियों, नया साल शुरू हो गया है तो नए साल में नया काम करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उन भाइयों के विषय में, उन भाइयों के लिए जो टेंथ पास कर चुके हैं, इंटर पास कर चुके हैं, ठीक है ना। उन भाइयों के लिए मैं दुबई का 5 ऐसा जॉब लेकर आया हूँ जिस जॉब में वो लोग काम करेंगे तो उनका सैलरी कम से कम इंडियन सैलरी 70,000 से लेकर के 1,00,000 रुपया तक मिलेंगे, लाजिम मिलेंगे। जानना पड़ेगा भाइयों कौन सा जॉब है। देखिए, इंडिया में जॉब मिलता है तो सैलरी थोड़ा कम ही मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे उस वही जॉब का काम करेंगे, वही काम यहाँ करेंगे तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि अगर टाइम उतना ही रहता है, 8 घंटा काम करता है लेबर भी, हम भी 8 घंटा काम करते हैं, एक ऑफिसर है वो भी 8 घंटा काम करता है, 8 से 10 घंटा। सैलरी उसको ज़्यादा मिलता है, हमको कम मिलता है। कारण क्या है कि हम उतना जानते नहीं हैं, उतना पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमारा सैलरी कम ही मिलता है। लेकिन जो भाई 10 क्लास पास कर चुके हैं, 12 क्लास पास कर चुके हैं, तो मैं सोचा क्यों नहीं उन भाइयों के लिए जॉब बताया जाए, ठीक है ना। साथियों, ज़िंदगी में सबसे आज कीमत किसी चीज़ का है तो वह है पैसा का। वही टाइम है, टाइम अलग नहीं होता है, उसी टाइम में आपको पैसा कमाना है। या 2 रुपये कमाइए या 1 दिन में 10 रुपये कमाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्यों नहीं अच्छा काम करें, क्यों नहीं अच्छी कंपनी में जाएं, क्यों नहीं अच्छा जॉब पाएं। तो उन भाइयों के लिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूं जो भाई 10 क्लास पास कर चुके हैं, 12 क्लास पास कर चुके हैं और निराश हैं कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, यार जॉब नहीं मिल रहा है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जब मिलेगा लाजिम मिलेगा जॉब, और आपका लाइफ भी एकदम मस्त होएगा, सेट हो जाएगा आपका लाइफ। आप भी बोलोगे यार हाँ यार, मेरा भी कुछ हैसियत है, मेरा भी कुछ कीमत है दुनिया में, ठीक है ना। तो साथियों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला आपको मैं बता रहा हूँ जॉब है, वो है सेफ्टी ऑफिसर में। अगर आप दुबई आते हैं तो आपका सैलरी कम से कम 4,000-5,000 दरहम तक मिल सकता है, इंडिया का 70,000-80,000-1,00,000 तक मिल सकता है। अभी देखिए, सेफ्टी ऑफिसर के काम में दुबई आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, सेफ्टी का काम करने के लिए कोर्स होता है, वो इंडिया में भी आप कर सकते हैं, उधर से इंडिया में कोर्स करके इधर डायरेक्ट आ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ आने के बाद भी आप सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको 1500-2000 दरहम, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं तो किया नहीं, मैं सेफ्टी से पूछा था तो वो बताए थे कि जितेंद्र तुम सेफ्टी कोर्स कर लो, ठीक है ना। तो सेफ्टी कोर्स यहाँ भी आप आराम से कर सकते हैं, पैसे इकट्ठा करके सेफ्टी कोर्स करके आप सेफ्टी का काम कर सकते हैं, और आपका सैलरी भी 3,000-3,500-4,000 जैसा आपका टैलेंट ही होएगा, मतलब जैसा आपका काम का वो फास्ट रहेंगे तो वैसा होएगा, ठीक है ना। और सेफ्टी का ज़्यादा काम भी नहीं है, मैं देखता हूँ अपना साइड पे, उसमें क्या है आपका साइड का कोई बंदा का कोई प्रॉब्लम ना हो, हेलमेट होनी चाहिए, सेफ्टी जैकेट होना चाहिए, शू होना चाहिए, ठीक है ना, बैरिकेड लगना चाहिए, वार्निंग टेप लगना चाहिए, और कोई बंदा जिधर गड्ढा उड़ा है उधर जाना नहीं चाहिए, ये देख रेख करना है, और ज़्यादा काम नहीं है सेफ्टी का, ठीक है ना। और दूसरा है आपका सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा जॉब है सिक्योरिटी गार्ड का। उन लोगों को तो इतना मज़ा है कि मैं दूसरा व्यक्ति को तो देखा ही नहीं इतना मज़ा दूसरा जॉब में, ठीक है ना। अभी देखिए सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है गेट पे, कोई आया भाई एंट्री करना है भाई, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, वही लिखना है बस, और कुछ काम नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए भी उसका भी ट्रेनिंग होता है, आप डायरेक्ट इंडिया से भी आ सकते हैं और नहीं तो इधर से भी लेबर का काम करके आप चाहें तो सिक्योरिटी गार्ड में आप एंट्री मार सकते हैं, कूद सकते हैं, फान सकते हैं, जैसा आप समझे, ठीक है ना। मैं सदार बाता भाई बताता हूँ, उसमें क्या है आपको थोड़ा इंग्लिश मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप गेट पर हैं तो गेट पर ऐसा नहीं कि इंडिया के ही लोग आएंगे, दूसरे कंट्री का भी लोग आ सकता है, सऊदी अरब का भी आ सकता है, अरबी भी आ सकता है, मिस्री भी आ सकता है, चाइना भी आ सकता है, कोई भी आदमी आ सकता है, तो
तो ज़्यादातर इंग्लिश में बात करेगा, तो आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर आप सेफ्टी का जॉब सॉरी सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। दो हो गया। तीसरा है स्टोर कीपर का काम, जो मैंने किया है एक साल तक। हाँ, मुझे उतना सैलरी नहीं मिला क्योंकि मैं लेबर का काम करते हुए भी स्टोर कीपर का काम किया था टेम्परेरी, ठीक है ना। उसमें स्टोर कीपर में ज़्यादा काम नहीं होता है, सिर्फ आपको बैठे रहना है और कोई आया आदमी तो उसको सामान देना है। कोई सामान आया भी बाहर से, बड़ा बड़ा ट्रेला पे आया, जिस भी चीज़ पे आया, तो उसको लिखना होता है, ये पेपर रेडी करना होता है, बस यही है। उसमें भी सैलरी आपको 3,350 से 4,000 तक मिलता है, 4,035। उसमें भी सैलरी आपको 3,000 से 4,000 दराम तक मिलता है इंडियन, इधर का सैलरी, ठीक है ना। इंडिया का तो 80,000-1,00,000 भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर डायरेक्ट आए या डायरेक्ट बनते हैं तो, ठीक है ना। तो स्टोर कीपर का काम, उसका बाद है टाइम कीपर का। टाइम कीपर का काम में भी आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि टाइम कीपर में क्या होता है कि आपको अपने साइट पर जितने भी बंदा काम कर रहे हैं उन सारा बंदे का हाजिरी लगाना होता है, अपने लेबर आपका जितने भी बंदे आपके साथ में उन लोगों को बांस में बैठा करके जिधर जिधर साइट आपको मिलता है उधर लेकर जाना है ना, ऐसा टाइम कीपर का काम होता है। टाइम कीपर मतलब टाइम को अटेंड करता है ना, टाइम शीट रेडी करना, ठीक है ना, यही काम। उसमें भी आपका सैलरी कितना है, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 दराम तक होता है। मैं देखा हुआ कि कैसे टाइम कीपर होते हैं पुराने, ठीक है ना। तो अगर आप इंटर पास कर चुके हैं, टेंथ पास कर चुके हैं, तो उसमें भी आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद एक अंतिम मैं आपको बता रहा हूँ, अंतिम जॉब जो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है वो है सेल्समैन का। सेल्समैन का जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपका सैलरी बहुत है और मज़ा भी है। बस आपको टैलेंट ही होना चाहिए बात करने का, आपको टैलेंट ही होना चाहिए। कैसा कस्टमर से बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्समैन के लिए। सेल्समैन में आपको बात करना आना चाहिए, कैसा हम कस्टमर से बात करते हैं, यही मेन होता है सेल्समैन का ड्यूटी, ठीक है ना। तो यह पाँच जॉब है जो उन भाइयों के लिए है जो भाई 10th क्लास पास कर चुके हैं, भाई 12 क्लास इंटर पास कर चुके हैं, उन भाइयों के लिए बहुत अच्छा जॉब है जो मैंने 5 जॉब बताए हैं। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन पांचों जॉब को करने के लिए आपको आपका जो इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको बात करने का टैलेंट होना चाहिए। कोई भी कस्टमर आए सेल्समैन के लिए उसे इंग्लिश में बात करनी चाहिए, है ना। स्टोर कीपर हो या टाइम कीपर हो या सिक्योरिटी गार्ड हो या सेफ्टी ऑफिसर हो, कोई भी हो, उसमें सारे जॉब में आपको इंग्लिश ज़रूरी है। अगर इंग्लिश नहीं जानते तो भाई वो जॉब आपके लिए नहीं है, ठीक है। जो बताया मैंने सब बताया, ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।